ड्राईवॉल एंड फॉल्स सीलिंग मटेरियल। आमतौर पर भवन निर्माण यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगने वाले ईंट, सीमेंट, रेत आदि मटेरियल से अलग मटेरियल का इस्तेमाल ड्राईवॉल व फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। फॉल्स सीलिंग व ड्राईवॉल, इन दोनों में उपयोग होने वाले मटेरियल। मेटल सेक्शन। मेटल से बने एंगल या चैनल को मेटल सेक्शन कहा जाता है। मेटल सेक्शन बनाने के लिए GI या एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ड्राईवॉल या फॉल्स सीलिंग में GI मेटल सेक्शन का उपयोग किया जाता है। फास्टनर। फास्टनर मेटल सेक्शन को कंक्रीट या वॉल पर फिक्सिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मेटल टू मेटल स्क्रू। मेटल टू मेटल स्क्रू का उपयोग दो मेटल सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड का उपयोग बनाए गए फॉल्स सीलिंग व ड्राई वॉल की फ्रेमिंग को ऊपर से कवर करने के लिए किया जाता है। ड्राईवॉल स्क्रू। ड्राईवॉल स्क्रू का उपयोग जिप्सम बोर्ड को ड्राईवॉल व फॉल्स सीलिंग के फ्रेम में फिक्स करने के लिए किया जाता है। पेपर टेप और फाइबर टेप। पेपर या फाइबर टेप का उपयोग जिप्सम बोर्ड के जोड़ में आने वाली दरार को रोकने के लिए किया जाता है। जॉइंटिंग कंपाउंड। जॉइंटिंग कंपाउंड का उपयोग जिप्सम बोर्ड के जोड़ को भरने के लिए किया जाता है। एज बीड। ड्राईवॉल व फॉल्स सीलिंग में जिप्सम बोर्ड के बाहरी कोनों को सुरक्षा देने के लिए एज बीड का उपयोग किया जाता है। फॉल्स सीलिंग मटेरियल। सोफिट क्लिट। सोफिट क्लिट के माध्यम से फॉल्स सीलिंग को मुख्य सीलिंग में लटकाया जाता है। सीलिंग एंगल। सीलिंग एंगल का उपयोग फॉल्स सीलिंग की फ्रेमिंग को मुख्य सीलिंग में लटकाने के लिए किया जाता है। M6 नट और बोल्ट। M6 नट और बोल्ट का उपयोग सीलिंग एंगल को सोफिट क्लिट के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। पेरीमीटर चैनल। पेरीमीटर चैनल का उपयोग सीलिंग सेक्शन को दीवार में पकड़कर रखने के लिए किया जाता है। इंटरमीडिएट चैनल। इंटरमीडिएट चैनल का उपयोग सीलिंग सेक्शन को आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। सीलिंग सेक्शन। सीलिंग सेक्शन का उपयोग जिप्सम बोर्ड को आधार देने के लिए किया जाता है। कनेक्टिंग क्लिप। कनेक्टिंग क्लिप का उपयोग इंटरमीडिएट चैनल व सीलिंग सेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ड्राईवॉल का मटेरियल। सी स्टड। सी स्टड का उपयोग दीवार फ्रेमिंग को वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। फ्लोर व सीलिंग चैनल। ड्राईवॉल पर स्टड को पकड़कर रखने के लिए फ्लोर व सीलिंग चैनल का उपयोग किया जाता है। नोगिन चैनल। दो सी स्टड को आपस में जोड़ने व स्विचबोर्ड की फिटिंग के सपोर्ट के लिए नोगिन चैनल का उपयोग किया जाता है। शैडो लाइन बीड। शैडो लाइन बीड का उपयोग ड्राईवॉल के इंटरनल कॉर्नर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। एंगल या कॉर्नर बीड। एंगल या कॉर्नर बीड ड्राईवॉल के एल जंक्शन में बाहरी कोनों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्लास वूल। ग्लास वूल का उपयोग अग्नि प्रतिरोधी दीवार बनाने के लिए किया जाता है। होल्डिंग क्लिप। होल्डिंग क्लिप का इस्तेमाल ग्लास वूल को ड्राई वॉल पर फिक्स करने के लिए किया जाता है। सीलेंट। सीलेंट का उपयोग अग्नि प्रतिरोधी दीवार बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दीवार के कोने में किया जाता है। आज हमने ड्राईवॉल व फॉल्स सीलिंग मटेरियल के बारे में जाना। अब आपके लिए एक काम,
आपके घर या आसपास कहीं ड्राईवॉल या फॉल्स सीलिंग हुआ हो तो वह किस किस मटेरियल से बना हुआ है इसकी जानकारी लें।